अनवर शऊर साहब का पहला मजमूआ भी बहुत अरसे तक इसी वजह से लेट हुआ कि मजमून एक्सपायर और वो बगैर मजमून के शायर उनसे मेरा 50-60 साल का ताल्लुक है। शायद मेरा इंतखाब अनवर शऊर से मेरे ताल्लुक की वजह से किया गया है। उनका मेरा ताल्लुक निस्फ सदी से ऊपर का है। वो जवान बल्कि बहुत जवान थे और रही समरोगी के हाँ उनका आना जाना तवातुर से था। मैं उम्र में उनसे कुछ बड़ा हूँ, समझिए दोनों के लड़कपन का जमाना था, दोनों का करीब आ जाना फितरी था। अनवर ने बहुत पहले शायरी शुरू कर दी थी, बहुत रसीली आवाज़ थी, तरन्नुम से शेर सुनाते थे और तरन्नुम के साथ शेर भी दिलपजीर हो तो दुआ तशा वाली बात हो जाती है। 1957 में जॉन साहब भी कराची आ गए। दफ्तरे शिराज शायरों के लिए एक पनाह की हैसियत रखता, कसरत से शुआरा वहाँ आते थे, रईस साहब से बेशतर इसलाह के लिए। अनवर शऊर भी उस वक्त शिराजी या रईस मरोगी के ख़ानदान का एक रुकन तस्लीम किए जाते थे। बड़ी तंगदस्ती का ज़माना था, तंगदस्ती में दोस्तियाँ गहरी हो जाती हैं। अब कुछ बातें थी मेरी उनकी, जब सफरन निकला था तो ये मुझे ले गए फैज साहब के पास। फैज साहब नर्सरी में रहते थे, यानी फैज साहब ने हमारी पहले रुदात तहमुल से सुनी और पूछा और फाइनेंस कि भाई तुम निकाल रहे हो सवरन तो तुम्हारे पास कुछ फाइनेंस भी है। मैंने बर्दस्ता जवाब दिया, पैसों से रिसादा कब निकलता है, हमारा अज़्म ही हमारा सरमाया है। फैज साहब मुस्कुराए और फरमाया फिर तो आप निकाल ले गए। मेरी जब भी ज़रूरत पड़े मैं आ जाऊँ। उन्होंने कहा बहुत से ऐसे वाक़ात थे बड़े मज़े के। उनके तरन्नुम और मर्सिया खानी से मुतासर होकर एक सेठ ने रहने के लिए अच्छी जगह फराहम करती थी, मगर एक रोज़ सेठ ने बचश्मे खुद उनकी बेइत्तेदालियाँ देखी तो वेस्ट पार्क के उस बसी कमरे में मजीद क़याम अनवर साहब के लिए मुश्किल हो गया। ये इधर उधर भटकते रहे, आज यहाँ कल वहाँ, पीर कॉलोनी की मस्जिद के पिछवाड़े हुजरे में भी वक्त गुजारा, फिर अंजुमन तरक्की उर्दू से वाबस्ता हो गए और बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल्ला मुर्शिद ख्वाजा जैसे मरहूमीन की सोबत में ऐसा रही और इल्मी और अदबी और शेरी ज़ौक में फजूनी हुई। अनवर के ख़ानदानी मामलात शुरू से नागुफ्ता रहे हैं, माँ का इंतकाल, फिर सौतेली माँ, चुनाचे खाना बदरी, शायरी मन चली उफ्ताद तबाह बल्कि तबई आवारगी, सर बसर शायर सर तापा शायर, जिंदगी की किसी की और चीज़ को दरखोरे इतना न समझा, शायरी के लिए पूरी ज़िंदगी निसार कर, उन्हें शायरी का गादी कहना कुछ गलत न होगा। और अनवर की इस इस्तकामत का समर यह है कि आज अहद हाजिर में गज़ल के मुमताज़ तरीन शुआरा में उनका शुमार किया जाता है। वाह वाह। वो अपनी तरफ की शायरी करते हैं, अपना एक अंदाज, हैरत होती है कि शायरी में इतना दर्क, पहलू तराजी, ख्याल कारी, सुखन आफरीनी, ज़िंदगी का ऐसा तजुर्बा इस बज़ाहिर नहायत आम से आदमी में कैसा बेतहाशा। बहुत से ऐसे वाकयात थे बड़े मज़े के। बार बार फिर से शुक्रिया। तंदस्ती में दोस्तियां मजबूत होती हैं, क्या खूब बात है।